ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी। ओडिशा में भुवनेश्वर कोरोना का हॉटस्पॉट है। आने वाले सप्ताह में 5000 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया। भुवनेश्वर में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में रैपिड टेस्ट करने का फैसला किया। रैपिड टेस्ट के लिए 21 केंद्रों में 21 अलग अलग टीमें भी तैनात की गई। राज्य में कुल 60 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 46 सिर्फ भुवनेश्वर में ही मिले हैं। यूपी के मथुरा में पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर फूल बरसाए। लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए कुछ पुलिस वाले गश्त पर निकले और जैसे ही मुस्लिम समुदाय के इलाकों में दाखिल हुए तो लोगों ने उन पर फूलों की बारिश कर दी। पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए इलाके की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब शामिल दिखे। कुछ लोग तो अपनी छतों से भी फूल बरसाते नजर आए। इससे पहले जैसे ही पुलिस वालों के आने की खबर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगी, वो फूल से भरी थालियों को लेकर अपने घरों से बाहर निकल गए। इस बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा और कोरोना के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की हौसला अफजाई की। अपने परिवार को छोड़ के हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये बधाई और स्वागत के लिए जितना भी स्वागत किया जाए वो कम है। गुजरात के मोरबी में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मोरबी में सब्जी मंडी में लॉकडाउन की परवाह किए बिना भारी भीड़ उमड़ी। वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। लोग एक दूसरे के पास खड़े थे और ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। कर्नाटक के हवेरी में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन तोड़ने वाले 30 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग लॉकडाउन के बीच मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे और वहां कई लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मस्जिद पहुंची और वहां से लोगों को बाहर निकाला। एक एक करके लोग बाहर निकले, जिनकी पुलिस ने लाठियों से पिटाई भी की और दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। यूपी के संभल में एक फैक्ट्री में काम करते हुए 45 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोप है कि लॉकडाउन के बावजूद फैक्ट्री मालिक जो है फैक्ट्री में मजदूरों से लगातार काम करवा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काम बंद करवाया गया। पुलिस ने दो फैक्ट्री पर छापा मारा और दोनों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पहुंचे तो वहाँ पे साईं धाम कॉलोनी में 25 मजदूर मिले और काजी मोहल्ला जहाँ उसका गोदाम है, दोनों जगह गोदाम है, वहाँ भी कुल 20 मिले। कुल मिला के लगभग 45 मजदूर मिले हैं। तो मजदूरों को देखा गया तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग था, काम कर रहे थे, लेकिन ये जो मालिक थे ये आपस में सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों का नहीं था, लोगों की दूरी नहीं थी, एक दूसरे के साथ सटे बैठे थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बागपत में लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से बांटे जाने वाले राशन में धांधली की खबर मिली। सरकारी राशन की एक दुकान चलाने वाले पर कम राशन बांटने का आरोप लगा। दुकान चलाने वाले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कम राशन देने की बात कबूल करता दिख रहा है। शिकायत के बाद प्रशासन की टीम गाँव पहुंची और सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले पर लगे आरोपों की जाँच की जा रही है। कोरोना ने अमेरिका में कहर बरपाया हुआ है। वहां अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। करीब 37,000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चिंता है नवंबर में होने वाले चुनावों की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो जल्द ही चुनावी रैलियां शुरू कर सकते हैं और रैलियों में उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए, ताकि रैलियों का रंग बना रहे। I don't like the rallies where we're sitting like you're sitting. I mean, you got many reporters outside trying to get into this room, and I come in, I'm looking at this room, and I see all this. It loses a lot of flavor. It loses to me a lot of flavor, but I hope we're going to have rallies.